तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो, 2023 में रिलीज होने जा रही बॉलीवुड के बादशाह किंग खान यानी सुपरस्टार शाहरुख खान के करियर की पठान के बाद सबसे बड़ी मास मसाला एक्शन थ्रिलर सस्पेंस और रोमांस के डेडली कॉम्बिनेशन से बनी धमाकेदार और सबसे मोस्ट अवेटेड हाईली डिमांडेड फिल्म, जो कि अब से 2 महीने बाद यानी ठीक 7 सितंबर को वर्ल्ड वाइड बहुत बड़े लेवल पर वो भी धमाकेदार तरीके से पैन इंडिया रिलीज होने जा रही है, जिसे हिंदी तमिल तेलुगु में रिलीज किया जाएगा। मगर दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म ने पठान की हाइप को भी पीछे छोड़ दिया है। जबरदस्त तरीके का एक्साइटमेंट बढ़ता ही चले जा रहा है फिल्म को लेकर, और अभी तो बस फिल्म का प्रीव्यू ही आया है, लेकिन जब फिल्म से धमाकेदार एक्शन से भरा हुआ ट्रेलर और जबरदस्त सॉन्ग सुनने और देखने को मिलेंगे, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं तो कितना बड़ा तहलका मचेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, फिल्म के एक जबरदस्त आइटम सॉन्ग को लेकर एक खबर आ रही है कि शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नयनतारा और जवान की पूरी लेडी टीम को लेकर फिल्म का एक आइटम सॉन्ग फिल्माया जा रहा है, जो कि फिल्म में देखने को मिलने वाला है। और रिपोर्ट्स की माने तो इस सॉन्ग को पहले दुबई में फिल्माया जाना था, लेकिन फिल्म को देसी टच देने के लिए सॉन्ग को मुंबई में फिल्माया जा रहा है और सॉन्ग को वैभवी मर्चेंट कोरियोग्राफ कर रही है। साथ ही आपको बता दूं, सॉन्ग को म्यूजिक दिया है अनिरुद्ध ने। और दोस्तों, प्रीव्यू के बाद जिस लेवल की एक्साइटमेंट फिल्म को लेकर बनी हुई है, और जैसे कि शाहरुख खान की 2023 में 3 फिल्में हैं, पठान, जवान, डंकी, और तीनों ही एक से बढ़कर एक हैं, यानी कि सीधा सीधा कहें तो 2023 SRK के नाम होने वाला है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिवाली पर Tiger 3 आने वाली है, उसमें भी SRK का जबरदस्त कैमियो है। तो ऐसे में दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है फिल्म और फिल्म के सॉन्ग्स को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, फिल्म में शाहरुख खान का डबल रोल होगा, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाला है। और शाहरुख खान के साथ फिल्म में साउथ के सुपरस्टार नयनतारा, विजय सेतुपति और बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, साथ ही थलापति विजय का भी कैमियो देखने को मिलने करो। तो ऐसे में दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।